कैंसर। ये शब्द सुनते ही जिस व्यक्ति के लिए वो बात कही गई है या उसके आसपास पे लोग, खास तौर पे उसके परिवार के लोग डरना शुरू हो जाते हैं, और डर की एक लहर होने के कारण कई बार जब सिम्टम्स होते हैं, अंदेशा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कि कहीं मुझे ये डायग्नोसिस ना हो जाए, अपने को जांच करवाने में बहुत देरी कर देते हैं। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने मन की दशा को, जैसी भी हो, चाहे तनाव से गुजर रहे हैं, चाहे किसी तरह के डर हमारे जीवन में चल रहे हैं, कोई भी ऐसे सिम्टम्स हों जो किसी भी तरह के कैंसर को सूचित करते हैं, और आज के समय में हर तरह के कैंसर के बारे में मोटी मोटी जानकारी कहीं से भी पाई जा सकती है। किसी भी वेबसाइट पे जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, कैंसर से जुड़े कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि शुरुआत के जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर ये अंदेशा हो तो वो व्यक्ति या उसके घर वाले लोग जल्द से जल्द अगर उसके बारे में जानकारी लेके, जो सही जांच है उसे करके, और अगर वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इलाज को करवाने की ज़रूरत है जिस भी प्रकार का हो, तो बिना हिचक के उसके लिए ज़रूर करवाएं। ऐसा देखा गया है कि हमारे शरीर में हर समय कैंसर के करोड़ों सेल्स रोज़ बनते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और नए सेल्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में करोड़ों 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 सेल्स हैं, और इस कारण से जो बैलेंस है, यानी कुछ कैंसर के सेल्स बने, वही कैंसर के सेल्स ख़त्म हो गए, नए सेल्स आ गए, वही प्रकृति का नियम है। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी वजह से नॉर्मल से ज़्यादा शरीर में कैंसर होना शुरू हो जाता है, और इस हद तक हो जाता है कि वो सिम्टम्स के रूप में आना शुरू हो जाता है, तो फिर उसका इलाज ज़रूरी हो जाता है। और वहाँ पे देखा गया है कि जो हमारी मन का उसके साथ कनेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला कनेक्शन तो ये कि अगर डर है तो उसकी वजह से हम इलाज लेट कर देते हैं, जांच लेट कर देते हैं, और सुनने के बाद हर समय अगर मन में डर, तनाव, आशंका फैली रहती है और उसकी वजह से आपकी नींद खराब हो जाती है, उसकी वजह से आप दूसरों से कटने लग जाते हैं, तो उस कारण से भी कैंसर के इलाज में बाधा पड़ती है। कई बार इस चीज़ के बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते, कई बार मरीज को भी डॉक्टर्स तक नहीं बताते, ये सोच के कि उनमें डर पैदा हो जाएगा, और आमतौर पे ऐसा होता भी है। लेकिन अगर हम अपने मन को सशक्त रख सकें और उसकी वजह से जो हमारा इलाज हो रहा है वो इलाज भी ज़्यादा अच्छा होगा, उसका हमारे शरीर पर असर भी होगा, और उसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म, जिसको डिसेबिलिटी कहते हैं, यानी जो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या उसकी वजह से शरीर के अंगों में कोई दिक्कतें आती हैं, वो भी जल्दी ठीक हो सकती हैं और पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। यहाँ पे व्यक्ति के साथ साथ परिवार को भी ज़रूरत हो जाती है कि वो एक ऐसा माहौल बना के रखें जहाँ पे कि उनके मन पर और ख़ास तौर पे चेहरे पर मौत का डर ना छाया हो। बहुत सारे लोग ये सोच के कि अगर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो जो मरीज़ है उसमें डर पैदा हो जाएगा, और डर की वजह से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैंसर में खास तौर पे इलाज के साथ साथ जो एहतियात बरतने की ज़रूरत है, सही नींद, सही खाना, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, नेचर के साथ रहना, पोल्यूशन से दूर रहना, एडिक्शंस से दूर रहना, वो शायद वो नहीं कर पाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वो व्यक्ति खुद और अगर उसके आसपास वाले लोग ये सोच के कि ये भी जीवन की एक घटना है जो आई है, और आके सही रूप में अगर हम उससे डील कर पाएंगे तो चली भी जाएगी, और वहाँ पे मन की स्थिति, मन की दिशा और मन की दशा,
उन सब का पॉजिटिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम एक और रूप से देखें तो कैंसर एक तरह से हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर देता है। हमारी इस जीवन में क्या डायरेक्शन है, हम क्या करना चाहते हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो क्षण जो हम बिता रहे हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ भी हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। आमतौर पे वो लोग जो कैंसर से गुज़र के बाहर निकले हैं, उनका एक्सपीरियंस यही रहता है कि वो ज़िंदगी को और अच्छी तरह से जीना चाहते हैं। जो छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नेगेटिव सोच चलती है, दूसरों के साथ कंपटीशन, ईर्ष्या, द्वेष ये चलते हैं, या माइंडलेस हम जो चीज़ें सोचते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना देते हैं, वो कितनी बेमायने हो जाती हैं। और वहाँ पर इसीलिए वो व्यक्ति जो कि इस चीज़ से पॉजिटिवली बाहर निकल के आए हैं और उस समय में उन्होंने अपने मन को भी देखा है और उसके बारे में रिफ्लेक्शन की है, उनके लिए ज़िंदगी का हर एक क्षण अपने लिए और अपनों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो रोज़मर्रा की भाग दौड़ है वो बेमाने होने शुरू हो जाती है। जो लाइफस्टाइल है जिसमें कि पॉजिटिव चेंजेस आने की जो जो ज़रूरत है वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, करीबन 35 साल से बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो कि इस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं, उनको, उनकी फैमिलीज़ को काउंसिल किया है, सिर्फ यही नहीं है। 2019 में मुझे स्टेज 4 कैंसर हुआ जो कि पूरे शरीर में फैल गया था, बहुत एग्रेसिव था। हालांकि सिम्टम्स मुझे एज अ डॉक्टर तो मालूम ही थे, लेकिन जब तक जाके उसकी जांच हुई तो वो बहुत स्पीड से दिनों दिन बढ़ रहा था। लेकिन डायग्नोसिस के बाद मेरी अपनी मन की दशा, मेरी फैमिली की दशा, खास तौर पे मेरी वाइफ जो कि खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरी डॉटर जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, हम सब के मन पर डर की बजाय कि अब करना क्या है और इसको सही रूप से कैसे डील करना है, सिर्फ यही सोचते और सारा दिन किस तरीके से हम अपने शरीर का, अपने मन का, और हमारे शरीर और मन के साथ साथ जो हमारी आत्मा है उसकी पावर्स का हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाकर कैसे अपने शरीर के साथ हो रहे इस प्रोसेसेस को ठीक कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स जो भी इलाज की ज़रूरत थी वो भी हुआ, पूरा किया गया, लेकिन साथ ही साथ कहीं डर नहीं था, कहीं घबराहट नहीं थी, कहीं बेचैनी नहीं थी, और हर दिन को एक नए दिन के रूप में लेकर, और वहाँ पर ब्रह्म कुमारीज का राजयोगा है जो कि करीबन 30 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर ये ध्यान कि मैं एक एनर्जी अपने शरीर के प्रोसेसेस को कंट्रोल भी कर सकती हूँ, ठीक भी कर सकती हूँ, उसका मैं तो कहूँगा एक सुखद अनुभव कि किस तरह से हम अपनी सारे के सारे मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेसेस को गाइड कर सकते हैं, उसका अनुभव करने का मौका मिला। साथ ही साथ जीवन का क्या लक्ष्य है, किस तरह से हम अपने आप को जो कि एक पूरे यूनिवर्स का हिस्सा हैं, कैसे दूसरों को जो जो कर सकते हैं या दे सकते हैं, उसके लिए एक हायर पर्पस को ढूंढने की ज़रूरत, और वहाँ पर रोज़मर्रा की भागदौड़ से अपने आप को थोड़ा सा काटने की ज़रूरत जो पड़ी, उस दौरान में जो रिफ्लेक्शन का हुआ उसने मेरे हिसाब से बहुत मदद की, और उस स्टेज 4 से कैंसर कुछ महीनों में ट्रीटमेंट के साथ पूरी तरह से रिग्रेस हो गया, और करीबन 1.5 साल के बाद अब
जबकि उसका फिर से आंकलन हुआ है तो आज की डेट में मैं कह सकता हूँ मैं कैंसर फ्री हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि मेरे लिए ये एक उपहार था, मेरे परिवार के लिए उपहार था। हर चीज़ को वैल्यू कर पाना, जो आपको दूसरों से दुआएं मिलती हैं उनको वैल्यू कर पाना, जिस तरीके से हम अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं कि जो भी होगा सही होगा और उसको करने में मैं अपनी और यूनिवर्स की पूरी मदद करूं, और विजुलाइज करना कि किस तरह से मेरे शरीर में पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, जो जो चीज़ें तकलीफ दे रही हैं या कैंसर के सेल्स हैं उनको किस तरीके से अपने आप जो दूसरे सेल्स हैं जो कि उनको डिस्ट्रॉय करते हैं वो ठीक कर रहे हैं। और इस गाइडेंस के साथ, इस विजुलाइजेशन, एफर्मेशन, मेडिटेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग को, स्ट्रेस फ्री लिविंग को, राजयोगा के द्वारा जो लगाने के प्रिंसिपल्स हैं उनकी प्रैक्टिस के बाद आज मैं ना सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कैंसर मुझसे दूर है, लेकिन ये भी कि एक बहुत सुखद अवस्था है जिसमें आपने, क्योंकि एक ऐसी रोग जिसको कि आमतौर पे समझा जाता है कि बहुत भयंकर है, उसको आप बिना डरे फेस कर सकते हैं, तो आगे जाके और चीज़ों को फेस करने की ताकत भी मिलती है। और मैं यही कहूँगा कि परिवार और व्यक्ति पहले तो ध्यान रखे कि किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं तो उनको जल्द से जल्द जांच करके चेक करवाएं। अगर निकला भी है तो डरने की बजाय उससे डील कैसे करना है इसके बारे में प्लानिंग हो, और वो सब करने के बाद उस प्रोसेस में अगर हमारा मन संतुलित है, अगर हमारा दूसरों से कनेक्शन है, अगर अपने आप को हम अपने एक पॉजिटिव सोच, भावनाओं और एक्शंस के साथ डील कर सकते हैं तो कैंसर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो असाध्य है। वो भी एक और बीमारी है जिसको कि हम अपनी पावर्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं डॉक्टरी इलाज के साथ साथ।